दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल की जो अब निकल गई है, ज़्यादा देर के बाद ये आपकी भर्ती आई है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। हम इसमें इसको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे कि ओबीसी में क्या क्या चीज़ चाहिए और जनरल में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसमें सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे क्या क्या लगा है। तो आप देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसकी एक साइट खोल लेंगे। देखिए ये साइट खुली है, साइट खोल देखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, तो आप उस ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक अब जिन जो लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ना किए हों तो उसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लें। देखिए अभी ये खुल गई है। अब देखिए इसमें पहला मांगा है नाम, तो आप इसमें नाम भर लेंगे, पिता का नाम। और देखिए इसमें नाम दो तरीके का मांगा, पहला मांगा है, ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए पहला नाम मांगा है और लास्ट नाम मांगा है। तो पहले में नाम आप भर लेंगे विजय कुमार। अगर 3 अक्षर का नाम है, 3 वर्ड का नाम है, तो आप 2 पहले में भर लेंगे, तीसरा लास्ट लास्ट में भर लेंगे। ठीक, तो आप नीचे आ जाइए, देखिए मेल आईडी सारी चीज़ें भर लेंगे। अब देखिए सीधे आप आ जाइए यहाँ पे, क्या आप कब मूल निवासी हैं, तो आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद देखिए अब इसको बोल रहा है कि आप अगर जनरल या EWS या OBC या SC के हैं तो आप इसको क्लिक करें। तो आप इसको यहाँ क्लिक कर लेंगे। जनरल अगर हैं तो उसको आप नो कर लेंगे, अगर SC ST या फिर OBC हैं तो आप इसको यस कर लेंगे। यस करते ही देखिए इसमें मांगेगा मूल निवास से निर्गत, आपका ये कहाँ से निर्गत हुआ है, किसके द्वारा, वो आपको डालना रहेगा। और देखिए निवास जो है आपका सब डिवीजन से होता है और कहीं कहीं तहसीलदार से भी होता है, तो आप इसमें सब डिस्ट्रिक्ट जो है सब डिस्ट्रिक्ट वाला भी डाल सकते हैं। अगर आपका तहसील से बना है, अगर लिखा है आपके सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट में मोहर लगा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा आपका कहाँ का है जाति निवास में, तो निवास में भी देख लीजिएगा कहाँ का है, वो अपना डाल लीजिएगा। ठीक, और देखिए अब इसमें डेट भी लिखा होगा, डेट अपना इंटर कर लीजिए। और इसमें देखिए लिखा प्रमाण पत्र, तो आप प्रमाण पत्र इंटर कर लेंगे और कहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आप इंटर कर लेंगे निवास। और निवास में देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ये करंट का भी हो, 3 साल का भी हो तो भी ये आपका चल जाएगा। अब नीचे आ जाइए, देखिए इसमें मांगा है OBC, पहले हम OBC को ही देख लेते हैं। देखिए OBC में देखिए आप तहसीलदार डाल देते हैं, इसमें तहसीलदार नीचे मांगा हुआ है, तहसीलदार डाल देते हैं। आप जन अपने OBC सर्टिफिकेट में नीचे देख लीजिएगा, जहाँ मोहर लगा रहता है वहाँ पे लिखा रहता है किसके द्वारा ये निर्गत किया गया है, तो आप डाल लेंगे और इसमें डेट अपना एंटर कर लेंगे। अब देखिए इसमें मांग रहा है कि डेट, ये देखिए इसमें हम डेट आपको दिखाते हैं कि ये 23 का भी है और पुराने लोगों का भी, ये जैसे पुराने 3 साल तक का भी इसमें आप भर सकते हैं, लेकिन निर्देश में दिया हुआ है कि आप इसको तत्काल का ही लगाएं, तो ध्यान दे जाएंगे कि इसमें आप तत्काल का ही लगाएं और इसी साल का ही लगाएं, वो भी मार्च के बाद का, आप नया बनवा के ही लगाएं जाति OBC के लिए सिर्फ। और SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 साल के अंदर का तो भी आप लगा सकते हैं। आप आगे आ जाइए, देखिए अब ये सब नो कर लीजिए। अगर आप हैं एक्स स्टूडेंट है तो अपना यस कर लेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। अब ये हाई स्कूल मांग रहा है, हाई स्कूल इंटर कर लेंगे। और देखिए इसमें ये मांग रहा है मंथ पासिंग मंथ और ईयर, अपना इंटर कर लेंगे। और रिजल्ट अपना डाल लेंगे, पास कब किए हैं, और रोल नंबर इंटर कर लीजिए। और देखिए प्रमाण पत्र मांगा है लास्ट में, तो आप प्रमाण पत्र क्रमांक इसमें आप इंटर कर लेंगे। अब इंटर में भी वैसे ही है, आप यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड इंटर कर लेंगे और डेट डालेंगे और प्रमाणपत्र क्रमांक लास्ट में इंटर कर लेंगे। अब देखिए ये मांगा हुआ है, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर लेंगे। अगर है तो आप सर्टिफिकेट इशू डेट लिख लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिख लेंगे और उसका सीरियल नंबर भी आप इसमें अंकित कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर लेंगे।
अभी अगर अगर आप एनसीसी बी कैंडिडेट हैं, अगर आपका उसकी सर्टिफिकेट है, तो आपको वर्गीयता मिलती है, इसमें नंबर में छूट मिलते हैं, इसीलिए आप इसको यस कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर है तो आप उसका सर्टिफिकेट नंबर और इसको उसको इस ध्यान दीजिएगा, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उसको स्कैन भी दिखाना रहेगा। अभी आप जो भी सर्टिफिकेट इसमें दिखाएंगे उसको आपको स्कैन लास्ट में लगाना रहेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे सबमिट कर दिया हमने, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे आ जाएगा और एक ओटीपी आ जाएगी 4 अंक की। अब लॉगिन आईडी इसमें एंटर कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आई हुई है उसको आप एंटर कर लेंगे। एंटर करते ही नीचे कैप्चर कोड एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका ये लिख देगा जियो रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। ओके, देखिए लिख दिया है एक्टिवेटेड। अब ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड प्रक्रिया आपका फीस पेमेंट का है, तो आप इसको फीस पेमेंट करके उसके बाद फ़ोटो और साइन अपना आप बना लें। फ़ोटो साइन देख लीजिए, फ़ोटो जो है आपका 20 KB से 50 KB के अंतर में आपको फ़ोटो होना चाहिए और साइन 10 से 20 KB के आसपास में हो, आप अपना बना लें। उसके अलावा आपको जो मार्कशीट है या ओबीसी का सर्टिफिकेट है, निवास का जो है, उसको आपको 100 KB से कम का लगाना है। आप देखिए हमने पेमेंट जैसे गए, हमने पेमेंट कर लिया है, तो हमने नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लिया। ऐसे क्लिक करिए, क्लिक कर दिए, यही पेमेंट हमने कर लिया है। देखिए अभी फ़ोटो पे आ गया है। अब हमने फ़ोटो भी इसमें लोड कर लेते हैं। देखिए फ़ोटो है, साइन है और हमने जनरल में भरा है इसको, तो ये जाति निवास नहीं मांगा है। तो आपने देखिए हम हाई स्कूल इंटर सब लगा के ये से प्रिंट करते ही देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब अपना ये प्रिंट फाइनल हो गया, प्रिंट अब कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।